नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सभी की फेवरेट स्वाद से भरी हुई रसीली जलेबी की रेसिपी। आज हम जलेबी बनाते वक्त इसके अंदर ना तो दही का यूज़ करेंगे और ना ही इसमें हम इनो का यूज़ करेंगे। आज हम एकदम बीकानेरी स्टाइल में रसीली जलेबी बना के तैयार करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम जलेबी का बैटर तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। तो यहाँ पर 1 कप मैदे में हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून, मतलब कि 2 छोटे वाले चम्मच भर के मोट धोआ दाल का आटा। ये आटा मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है या आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप मोट धोआ दाल को ले, उसको मिक्सी में ग्राइंड करें, उसका आटा तैयार करें और उसको मैदे की छलनी से छान लें, तो आपका घर पर बना हुआ मोट धोआ दाल का आटा तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, 1 कप मैदे में मैंने लिया है सिर्फ 2 टेबलस्पून मोट धोआ दाल का आटा। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी को आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालें और गांठें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। गांठें हटाते हुए आप इसका घोल तैयार करें। इतना घोल बनाने में हमने लगभग 1 कप + 2 टेबलस्पून पानी इसमें डाल दिया है और यहाँ पर हमारा एकदम लम्स फ्री घोल बन के तैयार है। घोल को हमें 10 से 15 मिनट तक लगातार फेंटना है और फिर लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर और इसको भी हम घोल में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जलेबी का घोल बनके तैयार है, लेकिन अभी हम घोल को ढक्कन लगा के किसी भी गर्म कपड़े में अच्छे से रैप करके उसको गर्म जगह पर रखेंगे 10 से 12 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 10 से 12 घंटे हो गए हैं। मैंने घोल को OTG में रखा है अच्छे से टॉवल से कवर करके। तो अभी हम घोल को बाहर निकाल लेते हैं। घोल को हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर घोल को हमें 5 मिनट के लिए फिर से अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घोल में काफ़ी अच्छे बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा घोल काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हुआ है। तो इसको अच्छे से हम 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, फेंटेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे बबल्स उठे हैं। तो यहाँ पर घोल में खमीर उठने की वजह से थोड़ा सा हमारा घोल पतला हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून 1 छोटा वाला चम्मच भर के मैदा ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी गांठें ना रहे। आप चाहे तो इस तरह से स्पैचुला से भी घोल को मिक्स कर सकते हैं, इससे आसानी से घोल में से गांठें निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो अभी हम जलेबी की चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमें चौड़ाई वाला बर्तन नहीं चाहिए, चाशनी के लिए हमें थोड़ा ऊंचा बर्तन चाहिए। तो अभी हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी में हम डालेंगे 3/4 कप पानी और उसको जब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल नहीं जाती। यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से पानी में घुल गई है। तो अभी इसमें हम डालेंगे 10 से 12 धागे केसर के और 1/4 TSP जितना इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमें जलेबी की चाशनी के लिए किसी भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें गाढ़ी और चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं,
अब देखिए उंगली में मेरे अच्छे से चिपक रही है, गाढ़ी चिपचिपी चाशनी है, कोई भी तार यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी बनी है। तो अभी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जलेबी बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह का चौड़ा पैन ही चाहिए, तो इस पैन में हम डालेंगे घी। यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी गाय का घी लिया है, क्योंकि जलेबी घी में बनी हुई ही बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अभी यहाँ पर हमें पैन को पूरा भरना नहीं है, लगभग आधा या फिर 3/4 पैन को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जलेबी हम इस तरह से सॉस की बॉटल में बनाएंगे। आप चाहे तो दूध की थैली में, पाइपिंग बैग में, या फिर किसी भी कपड़े पर छेद करके आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बॉटल में घोल को डाल देंगे। बॉटल को हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, लगभग आधा या फिर 3/4 तक ही आप इसमें घोल को भरें। जलेबी बनाने के लिए हमें एकदम गरम घी चाहिए। जब घी एकदम अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसको मीडियम फ्लेम पे लाने के बाद में हम जलेबी बनाएंगे। तो यहाँ पर घी हमारा अच्छे से गरम है, हम चेक कर लेते हैं। एक ड्रॉप मैंने घोल के डाली है, अब देखिए ड्रॉप डालते ही वो तुरंत ही ऊपर आ गई है। तो उसका मतलब है कि हमारा घी अच्छे से रेडी है जलेबी बनाने के लिए। तो जलेबी बनाते वक्त हम बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से गोल घुमाते हुए जलेबी बनाएंगे। ये आप एक दो बार जब बना लेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जलेबी काफ़ी अच्छी निकलेगी। जब जलेबी एक साइड से गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तभी इसको पलटें। और यहाँ पर देखिए मैं टोंग की मदद से जलेबी को पलट रही हूँ। आप चाहे तो स्टिक या फिर टूथपिक की हेल्प से भी इसको पलट सकते हैं। जब एक तरफ इसका कलर चेंज हो जाए तभी इसको पलटें। अगर आप पहले ही पलट देंगे तो आपकी जलेबी टूट भी सकती है। तो इस तरह से हम जलेबी को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जलेबी अच्छे से क्रिस्पी हो जाने के बाद में इसको इस तरह से इकट्ठा करके हम इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे और जलेबी को तुरंत ही बाहर निकालते ही हमें इसको चाशनी में डाल देना है। जलेबी को चाशनी में डालते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी चाशनी ना बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म रही तो आपकी जलेबी बहुत गर्म चाशनी में जाते ही वो सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो जलेबी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अंदर तक आपकी चाशनी जलेबी के अंदर नहीं जाएगी। इसीलिए आपकी चाशनी ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जलेबी को 20 से 30 सेकेंड चाशनी में रखने के बाद में इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी सारी जलेबियाँ भी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जलेबी बनाते वक्त अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी कम पड़ जाए तो आप इसी तरह से दूसरी चाशनी भी बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी जलेबियों को उसमें डिप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कितने आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया बीकानेरी हलवाई जैसी जलेबी आज हमने घर पे बना के तैयार की है। तो आप भी मेरे इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ में जलेबी बनाइए, आप सभी की जलेबी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।